अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कपड़ा बिजनेस के हवाले से। पहले भी हम कपड़े के हवाले से आइडियाज़ शूट कर चुके हैं और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, और उसमें से एक आइडिया हमने वो शूट किया था जिसमें हमने बताया था कि आप पॉइंट खोल के आप कपड़ा सेल कर सकते हैं। तो वो किस तरह होगा, उसका प्रॉपर अंदाज क्या होगा, उसके हवाले से आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो साथ रहिएगा हमारे, बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ये अर्शद भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है अर्शद भाई, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अर्शद भाई, ये आप कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन एक साल हुआ ये काम करते हुए। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं, तो पहले तो दुबई में था। अच्छा, तो वहाँ से आकर मैंने दो तीन चार काम किए जिसमें मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे एक सलामी भाई ने ये मशवरा दिया कपड़े का कि ये जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तजारत भी है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके मशवरे के ऊपर ये काम स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में जो है ना बहुत फ़ायदा है। अच्छा अर्शद भाई, ये बताइएगा, आप जब आए हैं दुबई से, आपने पहले कौन कौन से कारोबार किए हैं? पहले मैंने जो है ना सरिया का काम किया था, ये जो चुगाठे लगती है ना घरों में, जिस्ती चुगाठे, वो लेके आया था। सरिया का काम किया मैंने, तो खल चोखर का काम किया। अच्छा। तो उसमें मैंने नुकसान ही किया है, उसमें मुझे कुछ फायदा नहीं हासिल हुआ। अच्छा, इसमें अब आप जो कपड़े का कर रहे हैं, इसका थोड़ा तरीकाकार बताइएगा कि आपने किस तरह इसको स्टार्ट किया, जो पॉइंट्स वाला बता रहे थे आप, वो थोड़ा। मैंने ये स्टार्टिंग में ऐसे शुरू किया, मैं खुद पहले ना इसमें मुझे बहुत झिझक थी कि यार ये कपड़े का काम करूँगा तो क्या लोग कहेंगे, कैसे कैसे। लेकिन मैंने खुद पहले ना पॉइंट स्टार्ट करवाए कि जो शहर से दूर थे ना गांव, वहाँ पे मैंने पॉइंट स्टार्ट कराए, तीन चार पॉइंट स्टार्ट किए। तो उनको मैं कपड़ा मार्केट से ला के देता था, गुजरांवाला से, लाहौर से, जैसे फैसलाबाद से, जहाँ से मुझे अच्छा मिलता था कपड़ा, वहाँ से मैं उनको कपड़ा ला के देता था। टोटल कितने पॉइंट? तकरीबन मैंने 6-7 पॉइंट बनाए थे। अच्छा। तो अभी मैंने पॉइंट कम कर दिए हैं तकरीबन, क्योंकि 4 पॉइंट चल रहे हैं और 5वां जो है ना मेरा ये गाँव में मैंने दुकान अभी स्टार्ट की हुई है। सही। अच्छा, आपने वो पॉइंट में कैसा एक्सपीरियंस पाया कि क्या वो ठीक चलते थे या? जी उसमें ये था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलते थे, बस कुछ लोग ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे आ जाते हैं कि हमें जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो इसलिए फिर कपड़ा कम सेल होता है। इसमें अगर मुनासिब मार्जिन रखा जाए 100-150 रुपया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है ना बरकत भी है। और दूसरा, अच्छा, कितने पॉइंट्स आपके चल रहे थे शुरू से? शुरू से मेरे 7 पॉइंट चल रहे थे। अच्छा। तो अभी मैंने तकरीबन 3 पॉइंट ख़त्म कर दिए हैं, 4, क्योंकि वो पैसा टाइम पे नहीं देते थे। ठीक है, उसमें कपड़ा मेरा जाता था और वो सीज़न आउट होता है तो फिर वो कपड़ा मुझे वापस ला कर दे देते, और वो कपड़ा मैं पीछे भी रिटर्न वापस नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे उसमें नुकसान होता था। इसलिए मैंने जो ना पैसे नहीं देते थे, मेरे पैसे जो ना दूसरे कारोबार में लगा लेते थे या घर में यूज़ कर लिए, तो इसलिए फिर मैंने वो 3-4 पॉइंट बंद कर दिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 पॉइंट जो चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं, और 150-200 रुपये भी रखे स्टार्टिंग में सूट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रोजी देने वाला है। अच्छा, आप कपड़ा कहाँ कहाँ से खरीदते हैं? कपड़ा मैं लाहौर से, फैसलाबाद से और गुजरांवाला से। ये तीन जगह से खरीदने की क्या वजह है? लाहौर में कौन सा सस्ता मिलता है? लाहौर में जो है ना रेशमी कपड़ा जो है ना वो मिलता है, और फैसलाबाद में जो है ना ये मर्दाना वैरायटी सस्ती है, और लेडीज भी कुछ फैसलाबाद में सस्ती है और कुछ गुजरांवाला में। सही हो गया। जो अभी मुझे एक्सपीरियंस हो गया ना, जो जहाँ से मुझे अच्छी चीज लगती है, मैं लाहौर भी जाता हूँ, फैसलाबाद भी जाता हूँ, मार्केट घूमता हूँ, जो अच्छा लगता है वो वहाँ से सेल कर लेता, खरीद लेता हूँ। सही हो गया। और गुजरांवाले भी जाता हूँ, तो जो वहाँ से अच्छा लगता है, रेट मुनासिब लगता है, आगे आके दो आना सूट 200-300 रुपया देता है, तो वहाँ से खरीद लेता हूँ फिर। अच्छा, अभी आपकी क्या फीलिंग्स हैं, कपड़े का कारोबार कैसा कारोबार है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है, दिल लगा के अगर कोई मेहनत करे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा, कपड़े का कारोबार है। मुझे तो, मैंने आपको बताया ना कि मैं 2 साल से पाकिस्तान में आया हूँ दुबई से। अच्छा। तो दुबई भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही काम था, तो यहाँ पे ये है कि जो काम आके जो शुरू किया है, तो इस काम में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा नज़र आ रहा है। सही। अच्छा, आप बता रहे थे कि बाइक के ज़रिए भी कोई आपसे कपड़ा लेके जाते हैं और बाइक पे भी वो सेल करते हैं? जी, वो बाइक पे इस तरह ना कि तकरीबन बाइक पे जो काम स्टार्ट करना चाहे वो तकरीबन 40,000 के जो है ना रेंज में वो कपड़ा अगर ख़रीदता है, तो वो बाइक के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकता है।
बाइक के ऊपर 30 से 35-40 हज़ार रुपये का कपड़ा रखे, जो अभी ये मौसम चल रहा है इसमें जैसे चल रही है खद्दर चल रही है 2 पीस 3 पीस, इसके पास पीज है और जो है ना मरीना है कपड़ा सर्दियों वाला जो है, तो ये जो कपड़ा है अभी जेंट्स जो कपड़ा है थोड़ा सियाल के ठंड के हवाले से, तो ये अभी जो हम बाइक पे 30-40 हज़ार रुपये का लेके जाए, एक गांव में जाए फिर दूसरे में जाए, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होती है, ऐसे तो नहीं है जाते जाते इसको कपड़ा सेल हो जाएगा। ऐसे मेरे पास एक आदमी ने स्टार्ट किया था बाइक पे कपड़ा, तो उसका तकरीबन 1 हफ्ता एक भी सूट सेल नहीं हुआ, तो वो भी परेशान हुआ, तो उसे मैंने गाइड किया कि आप जो है ना हिम्मत नहीं हारो, आप मेहनत करो कोशिश करो, इंशाल्लाह आपका जो है ना काम बेहतर से बेहतर होगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि एक गाँव में वो गया तो फिर तकरीबन 5 दिन के बाद फिर वहाँ पे जाएगा ना, तो लोगों का एतमाद होगा कि यार ये पक्का बंदा आ रहा है यहाँ पे और इसके कपड़े में कुछ फॉल्ट नहीं है, ये अच्छा ही कपड़ा दे के जाएगा। अच्छा, एक सूट से वो कितने पैसे तकरीबन बचा रहा है? एक सूट से वो तकरीबन बाइक से 100-150 रुपया वो कमा लेता है, 100-150-200 सूट की मुनासिबत के हिसाब से, वो सूट जिस रेंज का सूट होगा उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक जो नया काम शुरू करने वाला है उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उसे नहीं पता कि गुजरांवाला से कौन सा कपड़ा सस्ता मिलेगा या लाहौर से कौन सा सस्ता मिलेगा। अब एक छोटे लेवल पे कोई स्टार्ट करना चाह रहा है कि बाइक पे सेल करना चाह रहा है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, वो मेरे पास आ जाए यहाँ पे, आप ये नंबर दे दें एड्रेस दे दें, वो यहाँ मेरे पास आ जाए, उसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, उसको मैं कपड़ा दूंगा यहाँ से मौसम के हिसाब से उसको कपड़ा दूंगा, वो अगर दिल लगा के मेहनती आदमी होगा तो इंशाल्लाह उसका काम अच्छा होगा, मैं उसको कपड़ा दूंगा यहाँ से। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे आपके पास नहीं आता, क्योंकि मेरे व्यूवर जो हैं वो पाकिस्तान से भी हैं, दूसरे कुछ और कंट्रीज से भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में कहीं से भी वो आपसे राबता करता है, तो आपसे वो अगर एड्रेस देता है कि इस एड्रेस पे मुझे ये पैकेज चाहिए, तो आप उसको एक पैकेज बना के दे सकते हैं कि सीज़न के अतबार से, आपको तो पता है कौन कौन सा किस सीज़न में चलता है? जी मैं पैकेज बना के दे सकता हूँ, मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा उसको और वो मुझे जो है ना आपके इतमाद के ऊपर या मेरे इतमाद के ऊपर वो मुझे पैसा सेंड करे, तो मैं उसको उसी हिसाब से एक पैकेज बना के कपड़ों की तरतीब बना के उसको कपड़े सेंड कर दूंगा वहाँ से, तो उसको फिर जो है ना वो रابطہ रखे, उसको फिर एडवाइस भी दूंगा कि इस तरह का आपने करना है, इस तरह आपने करना है। अच्छा अर्शद भाई, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ लेडीज़ होती हैं जो अपने घरों में कुछ पॉइंट लगा के शुरू करना चाहती हैं काम, जैसा कि आपने पहले भी कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जहाँ पे आपने लेडीज़ को ही हायर किया हुआ है वो कपड़ा सेल कर रही हैं, तो अगर मेरे व्यूवर्स में से कोई लेडी आपसे ये काम करना चाहती है, आपसे ये कपड़ा वगैरह खरीदना चाहती है, तो आप इसी तरह पैकेज बना के उसको भी दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं दे सकता, इंशाल्लाह लेडीज़ को भी ये पैकेज बना कर दे सकते हैं। आप में आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है लेडीज़ वाली जो अभी इन दिनों चल रही अभी है? मेरे पास खद्दर है, करंडी है, लीलन है, पीज है, धनक उसको कहते हैं वैसे पीज भी है, तो मरीना कपड़ा है ठीक है, उसके बाद वस्कोस है, तो मतलब इस सियाल की टोटल वैरायटी मेरे पास है। तो यानी इसका क्योंकि लेडीज़ को अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा कपड़ा कितने में हमने ख़रीदना है, कितने में सेल करना है, तो आप उनको खुद से पैकेज बना के दे देंगे कि आप उनको बता भी देंगे कि कितने कितने में आगे सेल करें? जी मैं उनको पैकेज बना के दे दूंगा कि ये कपड़ा आपने इतने में सेल करना है, इतने में मैं आपको दे रहा हूँ और आप इतने में इसको आगे सेल करेंगे तो आपकी ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट से, ये मतलब मैं अगर एक बिलफर्ज एक सूट देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको देता हूँ 1,000 का, आप इसको 1,100 का सेल करो, तो मतलब आप 1,100 ही का सेल करो, आप ज़्यादा लालच नहीं कि 1,200 का करो 1,300 का करो, तो उसमें फिर तो जी फ्रेंड्स, एक वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि मोटरसाइकिल पे भी कपड़ा बेच के लोग अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो जॉब जा कर रहे होते हैं उनकी बनिस्बत ये अच्छी अर्निंग कर लेते हैं जो मोटरसाइकिल पे कपड़ा सेल कर लेते हैं। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि यार हम कैसे काम शुरू करेंगे, कि हमें झिझक आएगी अपने इलाके में करते हुए। तो ये अरशद भाई की दुकान पे मैं खड़ा हूँ, तो इनसे ये मैंने बात की है कि यार इस तरह ये प्रॉब्लम चल रहा होता है कि हर कोई अपने इलाके में नहीं कर सकता, झिझक आती है या उसे इतना तजर्बा नहीं होता, वो ला नहीं सकता कपड़ा, तो वो क्या करे। तो उन्होंने उसमें ये मुझे ऑफर किया, वो कह रहे हैं कि आपके व्यूवर्स में से अगर कोई भी आ जाता है हमारे पास, मेरे साथ रब्ता कर लेता है, तो मैं उसको ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे रेंट पे मकान
मकान लेके दे सकता हूँ, साथ में खाने पीने का इंतजाम वो चलो होटल वगैरह से भी हो सकता है, तो उसको सारा मैं समझा सकता हूँ और अपने हिसाब से मैं उसे कपड़ा दे सकता हूँ। और अगर तो उसके पास अपने पैसे हैं फिर तो वो मुझसे डेली बेस पे खरीद के ले जा सकता है और बेच के जितना बिक जाए बकिया ला के मुझे रोजाना डेली बेस पे वापस कर दे, और जो बिक जाए उसमें से प्रॉफिट भी उसे मिल जाएगा। और अगर जिसके पास पैसे नहीं है, समझता कि मेरे पास यार सिर्फ 10-15 हज़ार हैं और कपड़ा 25 से 30 हज़ार का साथ ले जाना चाह रहा है, तो उस सूरत में यह है कि वो कह रहे हैं कि अपना आईडी कार्ड मुझे जमा करवा दे ओरिजिनल वाला, तो मैं कपड़ा उसे उठवा दूंगा ताकि थोड़ा बिलीव हो जाए कि पता हो कि यार बंदा भागेगा नहीं। तो इस तरह आईडी कार्ड के भाव पे भी वो कपड़ा यहाँ से उठा सकते हैं और फिर इलाके में जाके सेल करके वापस लाके उन्हें जो बचा हुआ कपड़ा वो वापस कर दे और जो सेल हो गया उसमें से उसको अपना प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी ऑफ़र है आपके लिए कि इसमें ना तो आपको कहीं जाना पड़ेगा दूसरे इलाकों में कपड़ा ख़रीदने के लिए, यहीं से आपको कपड़ा मिल जाएगा और यहीं से फिर आप इसी इलाके में सेल करके यहीं पे आके अपने पॉइंट पे आप रुक सकते हैं। और फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, आपको समझ आ जाए कि यार ये मैं यूं कर सकता हूँ, इस तरह काम चल सकता है, तो फिर भले अपने इलाके में भी जाके सेल करते रहें, वो एक अलग मैटर है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा आइडिया। तो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।